वहीं राज्यसभा में विपक्ष के रवैये से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नाराजगी व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में जबरदस्त विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। जगदीप धनखड़ यहां पर बहुत नाराज हुए, उनको कुर्सी छोड़कर उठना तक पड़ गया। अब इस पर जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि विनेश के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। ऐसा उनको इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि विपक्ष विनेश फोगाट को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ की तरफ से भी यही बताया गया कि इस वक्त जो दर्द है वो पूरे देश को एक जैसा महसूस हुआ है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जेपी नड्डा भी इस पर नाराज दिखाई दिए। जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल की को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता सारे देश को लगता है, कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। द ऑपोजिशन डज नॉट हैव एनी सॉलिड इशू विच दे वॉन्ट टू डिस्कस, फॉर विच द रूलिंग पार्टी इज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन ऑल फोरम्स एंड इन ऑन द फोरम ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और अगली बड़ी खबर भी राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से जुड़ी हुई है, जहां विनेश फोगाट से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। विपक्ष के सांसदों ने विनेश फोगाट के मसले पर हंगामा यहां पर किया और जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और विपक्ष के व्यवहार की उन्होंने निंदा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अब सक्षम नहीं समझ पा रहा हूँ, और इसके बाद यही कहते हुए वो कुर्सी से भी यहाँ पर उठ गए। बहुत गुस्से के साथ साथ वो बहुत दुखी भी विपक्ष के इस रवैये से दिखाई दिए हैं। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, मांग को लेकर यू आर शाउटिंग एट द चेयर, योर कॉन्डक्ट इज अग्लीस्ट इन द हाउस, यू आर शाउटिंग एट द चेयर, आई कंडेम योर एक्शन, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द डोर, हाउ डेयर यू शाउट एट द चेयर,
and senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it.